Dear students, welcome in the lecture on reaction mechanism of octahedral complexes. तो बच्चों आपका फिर से स्वागत है इस रिएक्शन मैकेनिज्म में, जो कि इस लेक्चर में हम ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस की रिएक्शन मैकेनिज्म को अगेन डिस्कस करने वाले हैं, जहां पर हम एसिड हाइड्रोलिसिस को डिस्कस करेंगे, जिसे हम एक्वेशन भी कहते हैं, और ये इन कंटिन्यूएशन विद द पार्ट थर्ड, जहाँ पर आपने देखा था कि जो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स हैं, जहाँ पर जो इनर्ट लिगेंड है वो पाई डोनर कैपेसिटी रखता था, तो वहाँ पर SN1 रिएक्शन मैकेनिज्म के थ्रू क्या हो रही थी, रिएक्शन हो रही थी. तो यहाँ पर हम एक डिफरेंट ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स को देखेंगे, जहाँ पर आप देखेंगे जो नॉन लिविंग लिगेंड है, यानी जो इनर्ट लिगेंड है, उसकी कैपेसिटी कैसी होगी, उसकी कैपेबिलिटी होगी एक पाई एक्सेप्टर लिगेंड की तरह एक्ट करेगा. तो हम कह सकते हैं कि जो इफेक्ट of pi bonding capacity of inert ligand reaction mechanism पर इसका effect क्या होता है, किसका effect, जो pi bonding capacity है inert ligand की, उसका क्या effect होता है reaction mechanism पर. तो अगर आप देखेंगे कि ये मान लीजिए एक ligand है, x inert ligand है, बाकी चार ligand के हमने नहीं यहाँ पर discuss किया है, यहाँ पर हम एक ligand दिखा रहे हैं जो कि inert है और दूसरा दिखा रहे हैं जो कि living ligand. तो अगर हम इन दो लिगेंड की बात कहें और X को हम कहें कि ये एक पाई एक्सेप्टर लिगेंड है. पाई एक्सेप्टर लिगेंड का मतलब आप जानते हैं कि ये जो लिगेंड है इसके पास क्या होगा, पाई एंटीबॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल खाली होगा. तो इसका पाई एंटीबॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल खाली है और ये जो ऑर्बिटल है ये मेटल का कैसा है, फील्ड है. तो ये मेटल क्या करेगा, इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा. तो आप देख सकते हैं एक्स जो पाई एक्सेप्टर लिगेंड अगर होगा तो वो किसकी तरह एक्ट करेगा बच्चों, ये बिल्कुल उसकी तरह एक्ट करेगा जैसा एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग लिगेंड एक्ट करता है. जो फैक्टर के बारे में मैंने आपको जो एक लेक्चर था जहाँ पर हमने देखा था कि नॉन लिविंग लिगेंड जो है, यानी इनर्ट लिगेंड, जहाँ पर दोनों कैपेसिटी नहीं थी, ना तो पाई डोनर की थी और ना ही पाई एक्सेप्टर की थी, वहां पर आपको बताया था कि एक फैक्टर है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग टेंडेंसी ऑफ लिगेंड, तो या बेसिसिटी ऑफ लिगेंड. यहां पर बेसिसिटी लिगेंड की आप कह सकते हैं एक तरीके से कम है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, दे नहीं रहा है. तो जब ये इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर को विड्रॉ करेगा तो बिल्कुल पाई एक्सेप्टर लिगेंड एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग लिगेंड की तरह एक्ट करेगा. तो ये यहां से इलेक्ट्रॉन को ले रहा है, तो इससे क्या होगा, इस मेटल सेंटर पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को कम करेगा, जिससे कि ये मेटल सेंटर क्या करेगा, आसानी से एक न्यूक्लियोफाइल को अपने में एड कर सकता है. तो एक इलेक्ट्रॉन यहां पर क्या करेगा, जो न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन है उसको एक्ट एक्टिवेट करेगा और ये जो लिगेंड है, जो न्यूक्लियोफाइल है, इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल, वो इसमें ऐड हो जाएगा. तो इस तरीके से आप देखेंगे जैसे CN माइनस एक्ट कर रहा था, वो एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग लिगेंड की तरह एक्ट कर रहा था, जहां पर मेटल सेंटर किसको बढ़ावा दे रहा है, एक न्यूक्लियोफाइल को अपने में ऐड होने को फैसिलिटेट कर रहा है. तो इस तरीके से आप देखेंगे अगर इस तरीके का लिगेंड होगा जैसे NO2 माइनस है, CN माइनस है, तो इस केस में ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग लिगेंड की तरह एक्ट करेगा, वीक बेस की तरह एक्ट करेगा और इसमें आसानी से एक न्यूक्लियोफाइल मेटल सेंटर में ऐड हो सकता है. इसलिए ये मैकेनिज्म क्या होगा, SN2 मैकेनिज्म. आप देख रहे हैं लिविंग ग्रुप नहीं निकल रहा है, बल्कि आसानी से कौन ऐड हो रहा है, एक न्यूक्लियोफाइल. तो इसलिए जो भी रिएक्शन मैकेनिज्म होगी वो क्या होगी, SN2 मैकेनिज्म होगी. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक हमने एग्जांपल लिया हुआ है, ट्रांस कोबाल्ट का कॉम्प्लेक्स है, जहां पर NO2 एक पाई एक्सेप्टर लिगेंड है और जब एक्वेशन होगा तो आप देखेंगे ट्रांस जो रिएक्टेंट है वो ट्रांस प्रोडक्ट ही बनाएगा, ये NO2 H2O से रिप्लेस हो जाएगा. रिएक्शन मैकेनिज्म हम किस तरीके से बताएंगे, यहाँ पर कैसी मैकेनिज्म होगी, SN2 क्यों होगी बच्चों, आपने देख लिया SN2 मैकेनिज्म होगी, क्योंकि यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल का एडिशन आसान हो गया है ड्यू टू पाई एक्सेप्टर नेचर ऑफ दिस NO2-. तो आप देखिए पहले स्टेप क्या होगा, स्लो स्टेप होगा, जहां पर आप देख सकते हैं कि H2O अगर यहाँ
फेस के थ्रू ऐड होगा और ये सीएल भी आप देख सकते हैं ये भी शिफ्ट होगा और यहाँ पर पहला स्टेप क्या होगा एडिशन, पहला जो स्टेप है वो एडिशन होगा और एडिशन होने के बाद आप देखेंगे कि ये एक 7 कोऑर्डिनेटेड सिस्टम बन जाएगा जहाँ पर आप देख सकते हैं कि कोई बहुत अधिक मोमेंट नहीं है बॉन्ड्स का, जिसे हम क्या कहते हैं ऑक्टाहेड्रल वेज स्ट्रक्चर। तो ये इंटरमीडिएट है जो कि 7 कोऑर्डिनेटेड होगा और ये ऑक्टाहेड्रल वेज कहलाएगा। ये एक स्लो स्टेप है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है और ये एक फास्ट स्टेप है जहां पर आप देख रहे हैं जो ग्रुप है जो लिविंग ग्रुप है वो क्या हो जाएगा रिलीज होगा और रिलीज होने के बाद इस सीएल की पोजीशन पर कौन ऐड हो जाएगा H2O ऐड हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं एक ट्रांस आइसोमर, एक ट्रांस रिएक्टेंट, एक ट्रांस प्रोडक्ट को जनरेट कर रहा है वाया SN2 मैकेनिज्म एंड जो एनर्जेटिकली फेवरेबल इंटरमीडिएट है वो क्या है ऑक्टाहेड्रल वेज, तो वो आसानी से बन जाता है। अब अगर हम सिस रिएक्टेंट को देखें तो सिस रिएक्टेंट जो है वो जब एक्वेशन उसकी रिएक्शन होती है तो वो भी क्या देता है सिस प्रोडक्ट। तो यहाँ पर रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होता है, तो आप देख सकते हैं ये एक सिस आइसोमर है जहां पर NO2 इस लिविंग ग्रुप के सिस पोजीशन पर है। तो जब H2O यहाँ अटैक करेगा तो ये Cl भी क्या करेगा अपनी जगह से मूव करेगा और ये एक ऑक्टाहेड्रल वेज सिचुएशन होगी। और इस सिचुएशन में आप देखेंगे कि यहाँ पर जो ये NO2 ऑर्बिटल है, एक्चुअली होता क्या है जो NO2 ऑर्बिटल है और जो Cl ऑर्बिटल है इनके जो ऑर्बिटल्स हैं इसका एम्प्टी ऑर्बिटल और कोबाल्ट का जो T2g ऑर्बिटल होता है जो कि फिल्ड होता है, तो इसका फिल्ड ऑर्बिटल और इसका एम्प्टी ऑर्बिटल उतनी अच्छी ओवरलैपिंग नहीं करते हैं यहाँ पर, कम सिस के केस में ये कम होती है ओके। तो इसलिए जो सिस प्रोडक्ट है वो उतना इजी नहीं होता, ये बहुत फास्ट रिएक्शन नहीं होती है सिस की अगर हम बात करें, क्योंकि ये जो बॉन्डिंग है इस NO2 और कोबाल्ट के एम्प्टी ऑर्बिटल के बीच में ये उतना फास्ट नहीं होता जितना फास्ट ट्रांसाइसोमर के केस में होता है। सो ये एक स्लो रिएक्शन है, स्लो रिएक्शन में आप देख रहे हैं जो एसोसिएटिव स्टेप है देन डिसोसिएटिव स्टेप है और यहाँ पर ये क्या है फास्ट स्टेप है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो इंटरमीडिएट स्टेट होती है ऑक्टाहेड्रल जो ऑक्टाहेड्रल वेज होती है वहां पर आप देखेंगे जो मेटल का जो ये T2g ऑर्बिटल है ये कैसा ऑर्बिटल है T2g ऑर्बिटल जो कि फील्ड है ये, और जो पाई एक्सेप्टर लिगेंड का जो एम्प्टी ऑर्बिटल है इन दोनों की सिमेट्री मैच हो रही है और ये आसानी से क्या करेंगे पाई बॉन्ड बना लेंगे। तो ये ओवरलैपिंग क्या होती है अच्छी होती है जब एक्स और एल एक दूसरे के क्या होते हैं ट्रांस होते हैं, लेकिन जब एक्स और एल एक दूसरे के ट्रांस नहीं होंगे सिस होंगे तो ये ओवरलैपिंग उतनी बेटर नहीं होती है। इसलिए जो सिस आइसोमर है वो उतनी फास्ट रिएक्शन शो नहीं करता जितनी ट्रांस आइसोमर शो करता है। तो इस तरीके से आपने देखा कि तीन अलग अलग आपने बच्चों ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स देखे। तो अगर हम ओवरऑल जिस्ट देखें ओके तो हम ये देखेंगे कि पहला कॉम्प्लेक्स हमने पढ़ा ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, ऐसी सिचुएशन थी ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की जहां पर जो इनर्ट लिगेंड था ओके इनर्ट लिगेंड ना तो वो नॉट गुड पाई डोनर ओके और नॉट गुड पाई एक्सेप्टर, तो दोनों ही क्वालिटी उसमें नहीं थी। और जब ये क्वालिटी नहीं होती हैं तो फिर हम रिएक्शन को किससे किस मैकेनिज्म से हो रही है वो हम किससे बताएंगे, हम बताएंगे कुछ फैक्टर से, जैसे हम बताएंगे कि उस कॉम्प्लेक्स के ऊपर चार्ज कैसा है। तो अगर चार्ज अधिक होगा तो रिएक्शन रेट उतना फास्ट नहीं होगा जितना कम चार्ज पे होगा। फिर हमने देखा स्टेरिक फैक्टर जो इफेक्ट करता है, यानी स्टेरिक फैक्टर किसका जो कि नॉन एक्टिव लिगेंड, जितना ज़्यादा स्टेरिक फैक्टर होगा उतनी फास्ट रिएक्शन होगी। आपने देखा बेसिसिटी ऑफ इनर्ट लिगेंड जो बेसिसिटी ऑफ जो कि
जो लिविंग लिगेंड है, जितनी ज्यादा बेसिसिटी होगी उसकी उतनी लो जो है वो हाइड्रोलिसिस का रेट होगा। और एक फैक्टर आपने पढ़ा इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, और इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट में आपने पढ़ा कि जितना अधिक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग टेंडेंसी होगी एक इनर्ट लिगेंड की, ओके, उतना वो SN2 मैकेनिज्म के थ्रू होगा, और जितनी उसकी जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी अधिक होगी उतना अधिक वो SN1 रिएक्शन मैकेनिज्म के थ्रू होगा। दूसरा जो आपने कॉम्प्लेक्स पढ़ा वो पढ़ा ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, जहां पर इनर्ट लिगेंड जो था वो कैसा था, गुड पाई डोनर, वो गुड पाई डोनर था जैसे कि OH। और जब ये एक अच्छा पाई डोनर लिगेंड होगा तो वो क्या करेगा, वो अगर वो एक सिस लिगेंड, अगर वो एक सिस आइसोमर होगा, अगर वो एक सिस आइसोमर होगा तो कौन से इंटरमीडिएट के थ्रू स्टेबल इंटरमीडिएट बनाएगा, SP, और अगर SP बनाएगा तो सिस प्रोडक्ट ही जनरेट होगा, ओके। फिर आपने देखा अगर हम एक ट्रांस आइसोमर की बात करें, तो ट्रांस आइसोमर की अगर हम बात करेंगे तो इस केस में जो स्टेबल इंटरमीडिएट होगा वो ट्राइगनल बाईपिरामिडल होगा, और अगर ट्राइगनल बाईपिरामिडल जो इंटरमीडिएट है वो स्टेबल होगा तो सिस आइसोमर भी बनेगा, ओके, प्लस उसमें ट्रांस आइसोमर भी बनेगा। तो ये दो कंडीशंस हमने पढ़ी इससे पहले लेक्चर्स में। ये कंडीशन जो हमने पढ़ी कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में जो इनर्ट लिगेंड है इट मे बी अ गुड पाई एक्सेप्टर, इसकी जो पाई एक्सेप्टर टेंडेंसी होती है वो अच्छी हो सकती है। एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल NO2- माइनस है या CN- माइनस है, तो अगर ऐसा होगा तो क्या होगा कि अगर एक ट्रांस आइसोमर होगा तो वो किस इंटरमीडिएट को स्टेबल बनाएगा, ऑक्टाहेड्रल वेज को, और वो हमें क्या प्रोडक्ट देगा, ट्रांस आइसोमर देगा, ओके। और अगर एक सिस आइसोमर हम लेंगे तो एक सिस आइसोमर क्या करेगा, ऑक्टाहेड्रल वेज इंटरमीडिएट बनाएगा, और जो प्रोडक्ट बनेगा वो भी क्या होगा, सिस आइसोमर होगा। हालांकि जो रेट है वो सिस आइसोमर का क्या होगा, स्लोअर होगा, थोड़ा कम होगा एज कंपेयर टू द ट्रांस आइसोमर, क्योंकि जो ओवरलैपिंग होती है T2G ऑफ मेटल सेंटर एंड जो जो एम्प्टी ऑर्बिटल ऑफ दिस पाई एक्सेप्टर लिगेंड वो उतनी अच्छी नहीं होती, ओके। सो दिस इज ऑल अबाउट द एसिड हाइड्रोलिसिस, तीनों टाइप के ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स कवर हुए हैं। तो इस तरीके से हम इसको जिस्ट वाइज बता सकते हैं कि ऐसा कॉम्प्लेक्स होगा तो कैसी रिएक्शन मैकेनिज्म के थ्रू होगा, ऐसा कॉम्प्लेक्स होगा तो कौन सी रिएक्शन मैकेनिज्म के थ्रू एक्वेशन होगा, और अगर ऐसा कॉम्प्लेक्स होगा तो कौन सी रिएक्शन मैकेनिज्म के थ्रू इसमें एक्वेशन होगा, ओके। सो थैंक यू वेरी मच।